लोकसभा में आज संविधान के 75 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी। आज 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत कर चुके हैं। बता दें कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी चर्चा के दौरान संसद में अपनी स्पीच दे सकती हैं। भाजपा के 12 लीडर इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर की शाम को इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका के अलावा डीएमके नेता टीआर बालू, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी किया है। ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें आई है। संविधान पर चर्चा जरूरी, क्योंकि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उससे लेकर सारा विपक्ष, पूरा देश चिंतित है। तो इसलिए उस पर चर्चा बहुत जरूरी, ताकि पूरा सदन जो है अपनी भावना संविधान के समर्थन में व्यक्त कर सके।